हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम एट गेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा पाँचवी विषय पर्यावरण अध्ययन 2022-23 के लिए प्रकाशित समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा प्रकाशित पाठ 8 मच्छरों की दावत के विषय में हम प्रश्नों को हल करेंगे। पाठ में प्रश्नवाचक लगा है, देखिए आप इन सारे प्रश्नों को हम इस वीडियो में हल करेंगे। इससे पूर्व चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है आपके द्वारा, तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेगी एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, देखेंगे हम प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न क्या है, इनमें से किसके काटने से मलेरिया होता है? अब यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो कीट, मकड़ी, मक्खी, तो इसमें सही आंसर लगा देंगे हम मच्छर, क्योंकि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। इसके बाद प्रश्न दूसरा है, वर्ग पहली में से मच्छरों से होने वाली बीमारियों के नाम ढूंढकर लिखिए। अब देखिए यहाँ पर वर्ग पहली बनी हुई है, तो हम यहाँ पर मच्छरों से काटने से कौन कौन सी बीमारी होती है, तो यहाँ पर मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये चिकनगुनिया इस प्रकार से हम यहाँ लिख देंगे, मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू। इसके बाद प्रश्न तीसरा है, डॉक्टर ने कहा कि आरती के खून में हीमोग्लोबिन या खालिस्तान की कमी है, तो आयरन की कमी है, उसकी खून की जांच में एनीमिया निकला, इसकी कमी को दूर करने के लिए आरती को आयरन, पत्तेदार सब्जी और सब्जियाँ खाना चाहिए, तो इस प्रकार से हम इसको पूर्ण कर लेंगे। इसके बाद चौथा प्रश्न है, पहली जानबूझकर नाम लिखिए, सूक्ष्म जीवों को मैं बड़ा दिखाऊं, मलेरिया की जांच में काम आऊं, सोचो बच्चों में क्या कहलाऊं, तो माइक्रोस्कोप कहते हैं इसको, जो खून की जांच करता है, और इस प्रकार से हम इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न पाँचवा है, चित्र में दी गई रिपोर्ट के अवलोकन कर निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब यहाँ पर देखेंगे क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, सेंट्रल पैथोलॉजी रिपोर्ट यहाँ पर लिखा है, कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यहाँ पर लिखा हुआ बारीक अक्षरों में, 18/8/2007 की रिपोर्ट है, नाम है रजत, आयु 11 और मेल है, रोग की पहचान जो है किसके रूप में हुई है, फीवर विद चाइल्ड एंड रिंग्स, तो ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार, ये जांच में निकला है, खून में मलेरिया के जीवाणु पाए गए, ऐसा इसमें रिपोर्ट में लिखा है। अब इस रिपोर्ट के आधार पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रश्न बने हुए हैं उनके उत्तर को लिखेंगे। तो यह रिपोर्ट किसके नाम की है, रजत के नाम की, हमने अभी पढ़ा। दूसरा है, रिपोर्ट में मलेरिया रोग की क्या पहचान है, क्या पहचान हुई, देखिए खून में मलेरिया के जीवाणु पाए गए इसलिए। फिर रिपोर्ट के अनुसार रजत को किस बीमारी का पता चल गया, मलेरिया का पता चल गया। इसके बाद प्रश्न छठवा है, प्रश्न क्रमांक 71 पैराग्राफ में यहाँ पर एक चित्र बना है, क्या आप मच्छरों को दावत दे रहे हैं, यहाँ तक देखिए आप चित्र के माध्यम से, खुले में पानी, तो यहाँ पर जैसे पानी भरा हुआ है, खुले में पानी, हैंडपम्प में पानी, सब गंदगी, तो क्या आप मच्छर को दावत दे रहे हैं, यहाँ पर सावधान होने के लिए क्या लिखा है इस फ्लैक्स में, पर इसमें जो सूचना बोर्ड है जिसमें प्रचारित किया गया है, सावधान, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकता है, क्यों क्यों हो सकता है, क्योंकि आसपास पानी इकट्ठा जमा ना होने दें, गड्ढों को भर दें, तो ऐसा अपन नहीं, आप जो नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें, हर हफ्ते सुखाएं, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, गड्ढों में पानी भरें, मिट्टी का तेल छिड़काव पानी भरे जगह में, तो इस प्रकार से आप अगर करते रहेंगे तो मच्छर जो है नहीं होंगे। अब यहाँ पर जो है पोस्टर को ध्यानपूर्वक देखकर लिखिए कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, क्या लिखेंगे हम देखेंगे, ध्यान पोस्टर हमने देखा है पोस्टर को, अब यहाँ पोस्टर में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना है, तो पोस्टर में आपको किससे सावधान कर रहे हैं, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया से सावधान कर रहे हैं,
इस पोस्टर से क्या आप जानकारी क्या आपको जानकारी मिल रही है? तो बीमारियों से सावधान और आसपास की सफाई, मच्छरदानी का उपयोग, गड्ढों में पानी भरे में मिट्टी तेल का डाल के छिड़काव करना, ये हमको सावधानी के लिए रिपोर्ट मिल रही है। इसके बाद है प्रश्न सातवा। प्रश्न सात क्या है बच्चों, देखें, जोड़ी बनाइए, का से खा को मिलाना है। तो एनीमिया किसकी कमी से होती है? खून में आयरन की कमी से होता है। मलेरिया जो है मच्छर के से काटने मच्छर मलेरिया जो है मच्छर से होने वाली बीमारी है। फिर खून टेस्ट जो है, खून टेस्ट किससे होता है? माइक्रोस्कोप से होता है। लार्वा जो है मच्छर के छोटे बच्चे होते हैं। इस प्रकार के हम जोड़ी को का से खा को मिला देंगे। इसके बाद आठवां प्रश्न है, सोचिए और पता करके लिखिए। क्या सोचना है और पता करके लिखना है? देखिए, आप प्रश्न एक, पानी में मछलियाँ डालने के लिए क्यों कहा गया होगा? तो मछलियाँ मच्छर के लार्वा को खाए इसलिए कहा गया होगा। दूसरा प्रश्न, पानी में मिट्टी के तेल का छिड़काव करने से क्या होता है? तो मच्छर का लार्वा ऊपर नहीं आता, वह मर जाता है मिट्टी के तेल डालने से, ऐसा होता है। प्रश्न तीसरा, मक्खी से होने वाली बीमारियों के नाम लिखिए। तो मक्खी से कौन कौन सी बीमारी होती है? डायरिया होती है, हैजा, टाइफाइड, ये बीमारियाँ मक्खी से होती है। प्रश्न नौवा है, मच्छर भगाने के लिए पहले और आज के समय के उपायों को तालिका में छाँट कर लिखिए। अब नीम के सूखे पत्ते को जलाना, कंडों को जलाना, धुआं करना, मिट्टी का तेल छिड़काना, अगरबत्ती जलाना, ऑल आउट कॉल हिट। तो अब देखेंगे पहले क्या करते थे और आज क्या करते हैं मच्छर को भगाने के लिए। तो पहले नीम के सूखे पत्तों को जलाते थे, कंडों को जला करके धुआं करना, मिट्टी का तेल छिड़काना आदि, ये मच्छर भगाने के लिए उपाय पहले किया जाता था। और अब क्या हो रहा है? अब अगरबत्ती को जलाना, अगरबत्ती को जलाकर मच्छर भगाया जा रहा है, ऑल आउट को जला लगाकर कालाहिट को लगाया जा रहा है। तो इस प्रकार से और मच्छर को भगाने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद प्रश्न 10 है, बिंदुओं को मिलाकर चित्र को पूरा कीजिए और उसका नाम लिखो। तो बिंदु यहाँ पर बनी हुई है, हमने बिंदु को मिलाया और इस तरह से ये चित्र बना। बच्चों, आपको यह चित्र किसका लग रहा है? तो ये चित्र देखने पर मच्छर का लग रहा है। मच्छर पर यहाँ हम मच्छर लिख देंगे। इस तरह जो है हमने जो है मच्छरों की दावत के सारे प्रश्नों को हल कर लिए हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह आने वाले अध्याय को कंप्लीट करने के लिए, अन्य विषय के प्रश्नों को समझने के लिए वीडियो में बने रहें। धन्यवाद।